हेलो एवरीवन, दिस इज़ द फोर्थ पार्ट ऑफ इनेमल सीरीज़। ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। अगर आपने फर्स्ट वीडियो नहीं देखी है तो यू कैन टैप हियर। सो टुडे वी विल लर्न अबाउट द इम्पोर्टेंट स्ट्रक्चर्स ऑफ इनेमल। लुक एट दिस टेबल, ये मैंने आपको फर्स्ट वीडियो के पार्ट में भी दिखाई थी। आज के इस वीडियो में हम इन इम्पोर्टेंट स्ट्रक्चर्स के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें से पहला है नार्डो इनेमल, सेकेंड इज़ इंक्रीमेंटल लाइन्स ऑफ इनेमल, थर्ड इज़ इनेमल क्यूटिकल, फोर्थ इज़ इंक्रीमेंटल लाइन्स ऑफ रेजिस, ओ दिस इज सेम, फिफ्थ इज़ हंड्रेड शैगर बैंड्स, सिक्स्थ इज नियोनेटल लाइन्स, सेवन्थ इज स्टॉम ग्रैनुलर लेयर, एट्थ इज पेलिकल एंड नाइन्थ इज एट चेंजेस इन इनेमल। सो लेट वी स्टार्ट। सो फर्स्ट इज नार्ड इनेमल। Roads are straight and parallel for a short distance from the surface. Surface spaces जब enamel road आती हैं तो कुछ time, कुछ दूरी तक वो straight होती है, parallel होती हैं, पर जैसे जैसे वो DJ की तरफ आती हैं तो वे intervene करती हैं एक दूसरे के साथ, like this. It seems to be a functional adaptation of enamel roads in areas of excessive loads. Basically, ये enamel का एक अपने आप को adapt करने का तरीका है ताकि ये maximum से maximum domesticated loads है उनको bear कर सके. This is a diagram of Nard enamel in which dentine is shown by pencil and enamel shown by brown color. Our main point is Nard enamel. Enamel roads are running parallelly from the surface. And while they are approaching toward the DJ, they intervene with each other. Next point is incremental line in enamel, जिसे हम कहते हैं incremental lines of regius. Incremental lines appear as brown bands in transmitted light. Transmitted light में ये brown color के bands दिखते हैं. These suggest the rhythmic pattern or apposition of enamel, which is mineralized in layer. Incremental line basically हमें क्या show करती है कि enamel किस पैटर्न में लेयर हुई है, यानी कि उसका किस पैटर्न में, रिदमिक पैटर्न में अपोजिशन हुआ है। दे आर बिलीव्ड टू बी द एक्सटर्नल मैनिफेस्टेशन ऑफ पेरिकाइमेटा। पेरिकाइमेटा मैंने आपको फर्स्ट वीडियो में समझाया था। दिस इज अ सर्फेस स्ट्रक्चर, बेसिकली अ हाइपोकैल्सिफाइड स्ट्रक्चर। सो नेक्स्ट इज नेस्मिथ्स मेम्ब्रेन, जिसे हम इनेमल क्यूटिकल भी कहते हैं। दिस कवर्स द एंटायर क्राउन ऑफ न्यूली इरप्टेड टूथ, बट प्रोबेबली सून रिमूव्ड बाई मैस्टिकेटरी फोर्सेस। जो हमारे डेसीडियस टीथ होते हैं, जो वो न्यूली इरप्ट होते हैं, तो उनकी कवरिंग होती है निस्मिथ्स मेम्ब्रेन पर। धीरे धीरे मैस्टिकेटरी फोर्स जैसे अप्लाई होते हैं इनके ऊपर, तो ये रिमूव हो जाती है विद इन सम टाइम। इट इज़ ए टिपिकल बेजल लेमाइना सिक्रेटेड बाई अमीलोब्लास्ट व्हेन इनेमल फॉर्मेशन इज कम्प्लीट। जब इनेमल फॉर्मेशन कम्प्लीट हो जाती है तो हमारी जो अमीलोब्लास्ट सेल होती है वो सिक्रेट करते हैं बेजल लेमाइना। नेक्स्ट इज हंटर शैगर बैंड्स। दीज आर ऑल्टरनेटिंग डार्क एंड लाइट बैंड्स अंडर ओब्लिक रिफ्लेक्टेड लाइट। जब हम ओब्लिक रिफ्लेक्टेड लाइट से देखते हैं तो डार्क और लाइट कलर के ऑल्टरनेटिंग बैंड्स होते हैं, लाइक दीज आर द डार्क बैंड्स और इनके बीच में जो एक खाली स्पेस है, दीज विल बी द लाइट बैंड्स। दीज अकर्स ड्यू टू चेंज इन डायरेक्शन ऑफ रोड्स। आप सभी का जनरली ये क्वेश्चन होता है कि हंटर शैगर बैंड्स होते क्यों हैं। जब इनेमल फॉर्मेशन होती है तब इनकी रोड्स की डायरेक्शन जो है वो चेंज हो जाती है, जिनको हम कहते हैं हंटर शैगर बैंड्स। प्रिज्म्स दैट आर कट लॉन्गिट्यूडनली प्रोड्यूस डार्क बैंड्स कॉल्ड डायजोम्स। ये हमें याद रखना है, डी से डार्क एंड डी से डायजोम्स, लाइक मैंने तो ऐसे याद किया था। प्रिज्म्स दैट आर कट ट्रांसवर्स प्रोड्यूस लाइट बैंड्स कॉल्ड पैराजोम्स। एंगल बिटवीन डायजोन एंड पैराजोन इज 40 डिग्री। तो डायजोन और पैराजोन में 40 डिग्री का एंगल होता है। अब आता है नियोनेटल लाइन्स। इट इज़ एक्सेंचुएटेड। एक्सेंचुएटेड का मतलब होता है मोस्ट प्रोमिनेंट या फिर मोर शाइनिंग। दीज आर द एक्सेंचुएटेड लाइन्स ऑफ रेजियस, जो इंक्रीमेंटल लाइन्स ऑफ रेजियस हमने पढ़ा था कुछ देर पहले, उसी का एक्सेंचुएटेड वर्जन है, प्रोमिनेंट वर्जन है। सीन एज अ ब्राउन लाइन सेपरेटिंग इनेमल फॉर्म्ड एंड मिनरलाइज्ड बिफोर एंड आफ्टर बर्थ। लेट मी शो इट इन द डायग्राम। दिस इज़ द प्री नेटल इनेमल, जो जब बेबी इंट्रा यूट्राइन था तब उसकी जो इनेमल बनी थी, दिस इज दैट। एट द टाइम ऑफ बर्थ दिस मच इनेमल हैज़ बीन फॉर्म्ड, आफ्टर बर्थ दिस इनेमल गॉट मिनरलाइज्ड। तो प्री नेटल एंड पोस्ट नेटल के बीच में दिस इज़ द मोस्ट एक्सेंचुएटेड मोस्ट प्रोमिनेंट लाइन ऑफ स्ट्राया ऑफ रिजेस, विच इज़ कॉल्ड एज नियोनेटल लाइन।
So because of environment of embryo in intrauterine life is different from after birth. Kyunki intrauterine life different hoti hai from after birth. So this abrupt change result in a disturbance in the mineralization process resulting in this line. तो बेसिकली इंट्रायूट्राइन और आफ्टर बर्थ दोनों में एनवायरनमेंट में चेंज होता है जिसकी वजह से इनेमल के मिनरलाइजेशन में भी डिस्टरबेंस होती है जिसकी वजह से न्यूनेटल लाइन फॉर्म होती है. प्राइमरी टीथ एंड सेकेंडरी मोलर्स आर फॉर्म्ड पार्टली बिफोर बर्थ एंड पार्टली आफ्टर बर्थ. इनका कुछ पार्ट बिफोर बर्थ यानी कि इंट्रायूट्राइन बन चुका होता है और जो रिमेनिंग पार्ट है वो आफ्टर बर्थ होता है, इसलिए इन टीथ में न्यूनेटल लाइन होती है. Now the Tom's granular layer. इसका एक key point है, this is seen in dentin of root and is formed by collising and looping of the terminal portions of the dentinal tubules. This is enamel, this is cementum, so this is CEG. CEG से root apex की तरफ ये area जो है वो बढ़ता जाता है. Now the eight changes of enamel जिसमें ये चारों points follow होते हैं. First is facial and lingual surface lose their structure much more rapidly than proximal surface. Facial और lingual surface की जो structure है वो ज़्यादा जल्दी lose होते हैं as compared to proximal surface. Second है enamel being a non-living tissue is incapable of repair क्योंकि ये non-living tissue है, एक बार अगर ये ख़राब हो जाता है डिके हो जाता है तो ये रिपेयर नहीं हो पाता है. एरियाज विच रिसीव मैक्सिमम मैस्टिकेटिव फोर्सेस फॉर एग्जांपल कस्पर रीजन्स इंसाइजल एजेस दी शो मोर एट्रिजन विद एजेस. फोर्थ इज टीथ डार्कन विद एज दैट कैन मे बी अकर ड्यू टू चेंज इन ऑर्गेनिक कंटेंट ऑन सर्फेस लेयर. सो दिस इज ऑल अबाउट दिस वीडियो. आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि आपको नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर चाहिए. अगर कोई भी डाउट हो तो यू कैन आस्क इन कमेंट सेक्शन. थैंक यू एंड बी हैप्पी.